मच। गुड मॉर्निंग, अभी टाइम है आप लोग देख सकते हो और मैंने सुबह उठते ही ब्लॉग जो है स्टार्ट कर लिया हूँ। और आज मॉर्निंग का जो मौसम है आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल भी बारिश नहीं, धूप आ गई आज। और यहाँ पे मैं अपने मुंह धो लिया हूँ सुबह उठते ही, मैं ब्लॉग जो है आज स्टार्ट कर दी हूँ। 7 बजे 6:30 बजे की अलार्म लगाई थी और उठते उठते मेरे को 10-15 मिनट लग गया है। आज छुट्टी का दिन है तो सैटरडे है आज, और आज स्कूल नहीं है रोहित का, तो मैंने यहाँ पे मुंह धो के, तो यहाँ पे मैं एक मुट्ठी चावल में जैसे ही उठ के मैं उठती हूँ तो फिर मैं पहले चिड़िया कौवा जो है उनके लिए एक मुट्ठी चावल रख देती हूँ बालकोनी में। उसके बाद फिर मैं अपनी जो भी डे का स्टार्ट करती हूँ। इसी तरह से आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे बारिश की वजह से बालकोनी के जो ये है वहाँ पे देख सकते हो सिगुड़ी जो है वो लग गई है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताई थी हमारा जो क्वार्टर है वो सब स्टैंडर्ड वाला क्वार्टर है, तो इस वाले क्वार्टर का हालत कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे 2 कौवे आके चावल खाने लगे हैं। और अभी गाइज मैं अपना दिन का शुरुआत करती हूँ अपनी इष्टवृत्ति करके। यहाँ पे मैं इष्टवृत्ति कर रहा हूँ, भगवान जी को प्रणाम कर रहा हूँ। और सुबह उठ के मैं भगवान जी को प्रणाम करती हूँ और उसके बाद अपना दिन का शुरुआत करती हूँ। और अभी गाइस मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो जो ताम्रजल मैं रात भर यहाँ पे रखी थी उसी ताम्रजल को अभी मैं पी लूँगी। ताम्रजल सुबह सुबह पीना बहुत ही हेल्दी होता है। गाइस मैं सच बताऊँ तो जब से मैंने ये ताम्रजल पीना स्टार्ट किया, जो मेरा जो गैस्ट्रिक का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गया है, तो ये मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा है। अभी गाइस मैं आप लोग को दिखाती हूँ, 7:05 हो गया है और मेरा जो रूटीन वगैरह वो ख़त्म हो गया है। अभी मैं आज ए हाउस वाइफ, आज ए मम, मेरा घर का जो काम है हाउस वर्क का काम वो स्टार्ट होगा अभी। और उस वो जो काम है अभी मैं स्टार्ट करूँगी कपड़े धोने से। तो मेरे को आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, तो मेरे को आज कपड़े वॉश करना है। काफ़ी सारे कपड़े है, रोहित का यूनिफॉर्म है, हस्बैंड का भी यूनिफॉर्म है और डेली यूज़ जो कपड़े है वो भी थोड़ा सा है डेली यूज़ कपड़े। मैं डेली यूज़ कपड़े 2-3 दिन में ही वॉश कर लेती हूँ। और आज बेसिकली के जितने भी यूनिफॉर्म वगैरह वो सब आज वॉश करना है। कल संडे है, कल मैं उसको सूख जाएगा तो कल मैं प्रेस कर लूँगी। और मशीन चलाने के बाद यहाँ पे मैं घर का झाड़ू लगा रही हूँ, तो घर का काम भी उसी के साथ कर लेती हूँ। तो और बीच बीच में जाके मशीन को जो करना है वो कर लेती हूँ, ड्राइव वगैरह और ड्रेन वगैरह करना है। तो मेरा जो मशीन है वो है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो उसको आपको करना पड़ता है। जो ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक मशीन है उसमें तो आप कपड़े डाल दो उसके बाद आपको भूल जाओ तो अपने आप वो करता है, लेकिन मेरा जो मशीन है वो सेमी ऑटोमेटिक है, तो उसका हाथ का कुछ काम रहता है, आपको ड्रेन करना पड़ेगा, ड्रायर में डालना पड़ेगा, ये सब काम रहता है। तो मैं कपड़े वॉश करने के साथ साथ अपना घर का क्लीनिंग वगैरह वो भी कर लेती हूँ। जैसे ही गाइज आपका जो वॉशिंग कंप्लीट होगा उसके बाद अलार्म है, अलार्म बजेगा और आपके इस उसको ड्रेन करना है, उसके बाद दोबारा पानी ऐड करके आपको फिर वॉश करना है, धोना है कपड़े को, वॉश करेंगे, धोएंगे, फिर जाके ड्रायर में डालेंगे। तो यही है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का काम। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, यहाँ पे जो चावल दी थी सुबह सुबह पूरा खा लिए है। और ऐसे ही मैं करती हूँ, जो भी देना है वो दे देती हूँ और कौवे आके चिड़िया आके अपने आप खा लेते हैं। और अभी देख सकते हो आप मौसम कितना अच्छा है, एकदम क्लियर है और बच्चे आके खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। आज सैटरडे है, छुट्टी है जिन लोगों का स्कूल, तो वो लोग आके यहाँ पे खेल रहे हैं। आज मौसम कितना अच्छा लग रहा है, धूप भी आया है और पता नहीं बारिश भी आ सकती है, बट अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह धूप आता है। तो रोहित यहाँ पे सो रहा है, नहीं तो मैं नीचे जाती पार्क में, तो ये सो रहा है ना, तो इसलिए मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी, पता नहीं कभी भी उठ सकता है, छोटा बच्चा है। तो यहाँ पे गाइज मेरा मशीन भी चल रहा है, आप लोग को मैं बीच बीच में दिखाती हूँ, जब मैं आती हूँ मशीन के पास तब आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ताकि मेरा काम भी हो रहा है और यहाँ पे कपड़े मेरे को अलग अलग करके वॉश करना पड़ रहा है। और अभी बारिश की मौसम है, सब लोग कम्फर्ट यूज कर रहे हैं, मैं भी कम्फर्ट यूज कर रहा हूँ, तो
तो आप लोग देख सकते हो कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, इसको डालने से क्या होता है ना, कपड़े जो है स्मेल नहीं होता है, और अच्छे कपड़े स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह स्मेल करता है तो अच्छा नहीं लगता है। और कितना आप डीओ डालोगे, क्या करोगे, तो यही है। मैं यहाँ पे वॉश करने के टाइम पे एक कैप डाल देती हूँ कंफर्ट, और इसका बहुत अच्छा स्मेल होता है, मतलब गंदा नहीं लगता है, जो कि बारिश के मौसम में जो स्मेल होता है ना वो नहीं होता है। और यहाँ पे मैं बालकोनी में नहीं बैठूँगी, बालकोनी का जो डोर है नेट वाला डोर उसको ओपन करके यहाँ पे बैठूँगी रूम और बालकोनी के बीच में। गाइज यहाँ पे मैं एक मैट डाल दिया हूँ और अभी मैं कर रही हूँ मॉर्निंग का योगा। तो रोहित को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो उसी टाइम पे मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत वॉकिंग। आज रोहित स्कूल नहीं जा रहा है तो मैंने सोचा कि घर पे मैं कर लेती हूँ योगा। तो योगा बहुत ही हेल्दी रहता है, आप सुबह सुबह अपनी रूटीन में 10-15 मिनट निकाल के अगर योगा करोगे डेली तो बहुत हेल्पफुल रहता है, मैंने खुद करके देखा हूँ, और आपका दिन पूरा बहुत अच्छे से गुजरता है। तो यहाँ पे गाइस मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, वही कपालभाति, अनुलोम विलोम और कुछ हद एक्सरसाइज। आज मैं कुछ हद एक्सरसाइज करने की सोच रही हूँ, तो थोड़ा सा नेक का एक्सरसाइज करेंगे, कमर का, हाथ का, ऐसे ही एक्सरसाइज। बैठे बैठे आपको जैसे भी आता है ना एक्सरसाइज, तो सुबह सुबह आपको 20 से आधा घंटा कर लेना चाहिए, नहीं तो आप 10-15 मिनट भी कर लो योगा, तब भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ज़्यादा दिन हमारा एज जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और हमारा इम्यूनिटी पावर जो भी वर्किंग पावर वो कम होते जा रहे हैं, तो हम अगर कुछ बेसिक एक्सरसाइज वगैरह और योगा वगैरह करेंगे तो हम खुद फिट रहेंगे, और घर का काम करने से हमें दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादातर हाउसवाइफ लोगों को सर दर्द, कमर में दर्द, या फिर हेडेक होता है, या फिर पैर में दर्द होता है, ये सब चलता रहता है। तो अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा आपका ख्याल। अगर आप पहले आपका ख्याल रखोगे तब जाके अपनी फैमिली का ख्याल रख पाओगे। ये गाइस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप खुद भी ट्राई करो घर पे। अगर आप ट्राई करोगे डेली, आप इसको अपनी हैबिचुअल लाइफ में, रूटीन में ऐड करोगे तो आपको ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपकी हेल्थ का ही जो जितना भी इशू है वो सब चला जाएगा, आप खुद ही अच्छा फील करोगे। यही आप लोगों को कहना था और मैंने अपनी रूटीन में ऐड करी तो बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पे रोहित उठ के अपने आप आ गया है, और उसको मैंने अपना योगा को बंद करके फिर मैं उसको पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो यहाँ पे बैठा है बालकोनी में, तो अभी उसको ब्रश करवाना है, उसका जो भी रूटीन वगैरह है वो करवाना है। तो वो थोड़ा सा बालकोनी में बैठा है, तो मैं सोच रही हूँ अपना योगा जो है कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसका काम करना है, उसके बाद घर का काम करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, ये सब करना है। तो पता नहीं आज कैसे ही जल्दी उठ गया, नहीं तो छुट्टी का दिन में ना वो सोता रहता है, और मैं अपना घर का काम करती हूँ और फिर मैं 9-9:30 बजे तक तो सोता रहता है। ऐसे ही जल्दी मैं उसको उठाती नहीं हूँ, क्योंकि छुट्टी का दिन मिलता है तो उसको सोने देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही डेली तो सुबह सुबह उठ के स्कूल जाता है। तो अभी अगर वो सोएगा नहीं, एंजॉय नहीं करेगा तो कब करेगा, दिन मतलब ज़िंदगी भर ही तो उसको सुबह सुबह उठना ही है। स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो फिर कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तो हम जैसे बचपन में थे ना उसी तरह मैं उसको नहीं उठाती हूँ छुट्टी के दिन में, वो अपने आप ही उठता है। तो आज बहुत जल्दी उठ गया है, और यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जो कर रहा हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप खुद ही कुछ भी एक्सरसाइज जो आपको आता है वो आप कर सकते हो। तो गाइज अभी रोहित का काम करेंगे, तो चले फिर यहीं पे मैं अपना योगा को बंद करती हूँ, और अभी रोहित को ब्रश करवाऊँगी, फिर उसका चेंज करवाऊँगी, नाइट ड्रेस चेंज करवाऊँगी, और अभी मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आज इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों के अपना मॉर्निंग रूटीन जो है वो शेयर किया हूँ, और कैसे छुट्टी के दिन में मैं अपना घर का जो भी रूटीन वगैरह वो कैसे हैंडल करती हूँ, खुद को कैसे मैं टाइम देती हूँ, वही मैं इस वाले ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो ये मॉर्निंग ब्लॉग है मेरा। तो गाइज सुबह मॉर्निंग में मैंने ब्रश नहीं की थी, और जो भी मुंह वगैरह धोई थी उसके बाद यहाँ पे रोहित को ब्रश करवाने के बाद मैंने ब्रश कर ली। अभी मैं किचन में आई हूँ, किचन में आप लोग को दिखा देता हूँ
कि रात में ही मैंने अपना किचन जो है क्लीन करके रखती हूँ। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी ये वाला जो देख रहे हो वर्मिसेल, तो ये रोस्टेड वाला है, उसी को मैं बनाऊँगी। अभी गाइज बारिश स्टार्ट हो गई और मैं बालकोनी से आप लोग को दिखा रही हूँ। आज सुबह सुबह कितना अच्छा मौसम हुआ था ना, अभी देखो बारिश हो गई और इतनी तेज़ी से बारिश हो रहा है अभी। और शायद मुझे लग रहा है जो बादल ऊपर से जा रहे हैं ना वही बरस रहे हैं, और ये जो बारिश है रुक जाएगा थोड़ी देर के बाद। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि केरला का जो मौसम है ना मानसून, उसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी धूप हो सकती है ये। तो चले गाइस मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ। तो मैं जो वर्मिसेल का एक उपमा टाइम का बनाऊँ, जैसे सूजी का उपमा बनता है उसी तरह की बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं ये सारे वेजिटेबल्स लिया हूँ, टमाटर लिया हूँ और प्याज लिया हूँ, घी में बनाऊँगी। तो घी में हेल्दी भी रहता है और टेस्टी भी होता है। और घी मैंने कढ़ाई में दे दी, उसके बाद जैसे घी गर्म होगा तो उसमें हम डालेंगे मस्टर्ड, जीरा, ये सब डालेंगे। आपके पास अगर जो करी पत्ता है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो, हरी मिर्ची भी डाल सकते हो काट के, और वो मैं यहाँ पे डाल नहीं रहा हूँ, मेरे पास करी पत्ता है ही नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एक बड़ा साइज का प्याज यहाँ पे काट के रखी थी और वो ऐड कर दी। और अच्छे से हम चलाएंगे घी के साथ, प्याज को हम भूनेंगे। जैसे ही प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसी टाइम पे हम ऐड कर देंगे सब्जी। सब्जी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे गाजर, बीन्स, कैप्सिकम लिया हूँ। तो यही है, इतना सब्जी लिया हूँ मेरे पास था। आप अगर आपके मन की पसंद के हिसाब से जो सब्जी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। और यहाँ पर टमाटर भी मैं इसी टाइम पर ऐड कर दी, और नमक, हल्दी ये ऐड करूँगी, मिर्ची पाउडर मैं नहीं ऐड करूँगी क्योंकि लास्ट में मेरे को भुना हुआ मिर्ची और जीरा का जो पाउडर है वो ऐड करना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिठास के लिए एक चम्मच या डेढ़ चम्मच के करीब यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर रहा हूँ। अभी गाइस मैं आपको बताती हूँ कि अगर चीनी आप जो कच्चे सब्जी आप डाल रहे हो ना उसी टाइम पर अगर आप चीनी ऐड कर दोगे ना, पाउडर मसाले जिस टाइम पर ऐड करते हो, तो आपका जो सब्जी है ना जल्दी कुक हो जाता है। तो आप एक बार ट्राई करके देखना, बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गाजर और कैप्सिकम बीन्स जो सब्जी मैंने यहाँ पे ऐड की वो सब अच्छे से कुक हो गया है। अभी मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, आप गर्म पानी ऐड करो या फिर नॉर्मल जो भी पानी ऐड करो। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो यहाँ पर मैं रोस्टेड वाला वर्मिसेल है ये, तो इसी का पैकेट आता है। तो जैसे ही पानी में देख सकते हो अच्छे से उबाल आ गया है, तो मैंने जितना आपको वर्मिसेल क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है, थोड़ा सा ऐड करोगे तो फूल के ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह के आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो। तो कितने लोगों के लिए बना रहे हो, तो मैं यहाँ पर 3-4 मुट्ठी ले रहा हूँ, हम 3 लोग खाएँगे तो 4 मुट्ठी ले ली। और यहाँ पे बन के हो गया है इस तरह का। इसको मैं और ड्राई नहीं करूँगी क्योंकि जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना तब पानी जो है ना सोख कर लेता है, तो इसलिए ऐसे गीला गीला छोड़ूंगे। और जब हम लोग खाएंगे ठंडा हो जाएगा तब ये अच्छे से बन जाएगा। और ऊपर से भुना हुआ जीरा मिर्ची का पाउडर ऐड कर दिया। ब्रेकफास्ट भी बन गई और कपड़े भी वॉश हो गए। अभी मैं कपड़े सुखा नहीं रहूँगी, ब्रेकफास्ट पहले करूँगी उसके बाद फिर मैं कपड़े सुखाऊंगी। तो ये काम जो है मेरा रह गया है। हाय गाइज, अभी मेरा जो मॉर्निंग का सारा काम कंप्लीट हुआ, ब्रेकफास्ट भी बन गया है, दूध भी गर्म कर ली हूँ, रोहित को भी ब्रेकफास्ट खिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। हस्बैंड अभी तक आए नहीं, शायद उनका लेट होगा तो हम लोग कभी ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते कितनी जोर से बारिश हो रही थी, अभी धूप आने लग गई, मेरे कपड़े भी वॉश हो गया, सब घर का मॉर्निंग का जो काम है वो कंप्लीट हुआ है। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर मैं नहा लूंगी और नहा के पूजा पाठ करूंगी, उसके बाद लंच बनाऊंगी। तो आज के इस वाले ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर की मेरी जो मॉर्निंग रूटीन है, अर्ली मॉर्निंग रूटीन, आज ये मॉम, आज ये हाउसवाइफ, मैं अपनी मॉर्निंग जो बिजी शेड्यूल है उसको कैसे मैनेज करती हूँ। ऐसे भी आज छुट्टी का दिन है तो इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ, उस छुट्टी के दिन में भी थोड़ा सा 6:30 बजे उठी, नहीं तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ।
और रोहित सो रहा था, रोहित ऐसे ही सुबह स्कूल जाता है तो जल्दी उठ जाता है, लेकिन आज छुट्टी था तो लेट उठा, मैं योगा कर रही थी तो उठ गया वो, और उसके बाद उसका सारा जो भी रूटीन है मॉर्निंग का वो करी, ब्रश वगैरह किया, और अभी वो टीवी देख रहा था तो मैंने ब्रेकफास्ट बना ली, अभी उसको खिलाऊंगी और फिर मैं नहा धो के लंच बना के फिर उसको थोड़ा सा आज पढ़ाऊंगी, क्योंकि आज होमवर्क बहुत ज़्यादा दे देते हैं, जिस दिन छुट्टी रहता है ना स्कूल का बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल जाता है तो वो सब करना है। गाइज अभी भी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, आप लोग देख सकते हो कितना खिला खिला वर्मिसल है, अभी और ठंडा हो जाएगा तो और भी खिला खिला बनेगा, तो जो वर्मिसल है वो पानी जो है वो सोख करके एकदम ड्राई हो जाता है, एकदम खिला खिला हो जाता है, तो अभी थोड़ा गर्म है तो ऐसा है। चलिए गाइज यही था आज के इस वाले वीडियो में, ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर की, तो अगर आप लोगों को ये वाला मॉर्निंग ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।